तुम तो कह रही थी कि तुम इसमें माहिर हो। तुम्हें क्या लगा केनिमा कोई दवा है जिसे खाया जाता है? हाँ तो वही तो लग, मेरा मतलब है अम्मी मुझे कैसे पता था कि केनिमा क्या होता है? या अल्लाह तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? कोई स्पेशल कोर्स किया था या बचपन से ऐसी हो? केनिमा और दवाई का फर्क भी नहीं पता तुम्हें? या अल्लाह बेवकूफ लड़की हर बार मजाक का निशाना कैसे बन जाती है? कौन कहेगा कि तुम पढ़ी लिखी हो? खैर एनीमा कोई दवा नहीं बल्कि एक तरीका है उन बुजुर्गों के लिए जिनको कब्ज हो जाता है, उनके लिए अक्सर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है और इसे ऊपर से दवाई की तरह नहीं बल्कि खैर अब तो तुम समझ ही गई होगी। और तुम्हें बड़ा शौक है ना इस घर की बहू बनने का, तो अब बुजुर्गों को जो जो मदद चाहिए वो तो तुम्हें करनी होगी। मेरी ही अकल पे पत्थर पड़े थे जो इस गंवार से मैंने मदद मांग ली। पहले तो बाहर से कलर छिलक खाना खिला दिया और जब इलाज की बात हुई तो फिर सवाल करने लगी हो। अब तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा हा? वैसे तो बड़े कसीदे पड़े जाते थे तुम्हारी इस बहू के शान में कि मेरी बहू तो इतनी है, मेरी बहू तो वैसी है, ऐसी है ये तेरी बहू है ना मेरी जान लेना चाहती है। एक दो मर्तबा पहले भी कोशिश कर चुकी है ये, अगर मैं किससे कह रही हूँ तुझसे तो कहना सब बेकार ही है क्योंकि तुम तो अपने बहू के बारे में कोई भी बुराई सुन ही नहीं सकती। बस भी कीजिए ना अम्मी जान, सारे फर्ज क्या सिर्फ गजल के लिए है? घर में हाथ बटाने के लिए और कोई नहीं है क्या? और कौन हो सकता है इसके सिवा? अरे इसी को तो तुम घर की बहू मानती हो। नहीं दादी अम्मी नहीं, तुम्हारा मुझसे अब कोई नाता नहीं है, ना तुम पर हमारा कोई फर्ज है। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं दुआ क्योंकि अब मैं तुम्हें इस घर की बहू ही नहीं मानती। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।